दोस्तों, किसी को विद्युत का झटका लगने पर हमें क्या करना चाहिए, किसी को विद्युत झटका लगने पर कितना हानि होगी, ये डिपेंड करता है कि कितने एम्पियर की धारा, कितने मिली एम्पियर की धारा, कितने वोल्टेज पर, कितने समय तक व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हुई है। अगर हल्का झटका लगता है तो केवल झंझनाहट महसूस होती है, और अगर उससे प्रबल झटका लगता है तो हो सकता है कि मांसपेशियां झुलस जाए, और अगर अधिक प्रबल झटका लगता है तो हृदय आघात से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, विद्युत झटका लगने के बाद हमें कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए और किस तरीके से हम व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं, आज की वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल VRN इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पे। अगर किसी को विद्युत झटका लग गया है तो हमें ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए, अगर व्यक्ति लाइट तार के या किसी उपकरण के संपर्क में तो हमें कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले हम घर के मेन स्विच को ऑफ कर दें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो तुरंत किसी इंसुलेटेड चीज पे खड़ा होकर किसी इंसुलेटेड चीज से व्यक्ति को खींच कर उस वस्तु से अलग कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से दूर ले जाकर किसी चारपाई या पलंग पर लिटा देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में जो चार्ज एकत्रित है वो धीरे धीरे निकल जाए। और अगर व्यक्ति के पास जब भी झटका लगता देखा जाता है व्यक्ति के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सबसे पहले यह प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति के पास से सारी भीड़ को हटा देना चाहिए ताकि उसे ताजी हवा मिल सके। अगर कमरे में खिड़की दरवाजे हो तो उन्हें खोल देना चाहिए। अगर व्यक्ति के मुंह में तंबाकू गुटखा इस तरह कुछ भी नकली दांत वगैरह हो तो उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को ताजी हवा मिल सके। अगर व्यक्ति के शरीर पर छाले पड़ गए हों तो आपको साफ कपड़े से उस छाले वाले स्थान को ढक देना चाहिए ताकि मक्खियां आदि बैठकर इन्फेक्शन ना फैलाएं। और अगर व्यक्ति बेहोश हो गया हो देखना चाहिए, अगर उसकी हृदय गति चल रही हो तो व्यक्ति को तत्काल कृत्रिम श्वास प्रक्रिया देनी चाहिए। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया फ्रेंड्स तीन प्रकार की होती है, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि और मुंह से मुंह में हवा भरना। तो आइए पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। पहला तरीका होता है सिल्वेस्टर विधि। यह विधि तब उपयोग की जाती है जब पीड़ित व्यक्ति के सीने की तरफ छाले पड़े हों। इस विधि में व्यक्ति को इस प्रकार पीठ के बल लिटा दिया जाता है, उसका सीना ऊपर की तरफ रहता है। चित्र में दिखाए गए तरीके से कृत्रिम श्वास प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले व्यक्ति का हाथ को आधी मुट्ठी बनाकर उसके सीने पर ले आते हैं, थोड़ा दबाव देकर फिर उसके हाथ को ऊपर की तरफ फिदा कर देते हैं। यह प्रक्रिया एक मिनट में 10 से 15 बार करनी चाहिए जब तक डॉक्टर ना आ जाए। दूसरा तरीका होता है सैफर विधि। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ की तरफ छाले पड़े हों। इस प्रक्रिया में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल यानी सीने के बल लिटाया जाता है और चित्र में दिखाए गए तरीके से कृत्रिम श्वास प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया भी फ्रेंड एक मिनट में 10 से 15 बार करनी चाहिए जब तक व्यक्ति को होश ना जाए या वो जब तक वो सांस ना लेने लगे। अब अगली विधि आती है। अक्सर ये दोनों प्रक्रिया अपनाना उतना कारगर साबित नहीं होता है। सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है तीसरा तरीका, यानी मुंह से मुंह में हवा भरना। जो भी पीड़ित व्यक्ति या मूर्छित व्यक्ति हो उसके मुंह को साफ कर देना चाहिए और मुंह पर हल्का रुमाल रख के आपको उसके नाक को बंद करके उसके मुंह में हवा भरनी चाहिए। हवा भरने के बाद मुंह हटा देना चाहिए ताकि हवा फिर निकले। फिर यह प्रक्रिया भी आपको 10 से 15 बार करनी चाहिए, एक मिनट में 10 से 15 बार करनी चाहिए। इस तरह करते रहने से व्यक्ति की हृदय गति चलने लगती है और व्यक्ति सांस लेने लगता है और इस प्रकार व्यक्ति की जान बच जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।